नमस्कार जी, स्वागत है आपका। मैं हूँ योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर चर्चा, और ये ऐप लगाए जा रहे हैं या सच्चाई है कि ये फाइनल राउंड की वार्ता है। ऐसा हो बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों ने कहा है कि हमारा मजमून पहले से तय था, हमने सरकार को अवगत करा दिया, अगर बिल सरकार वापस लेती है तो आगे बात बनेगी। लेकिन अगर ये, क्योंकि सरकार का एजेंडा किसान संगठनों के पास पहले भिजवा दिया गया था और किसानों के मंसूबे पहले से सरकार को वाकिफ करा दिए गए थे, लिहाजा साफ है कि सरकार आगे बढ़ेगी, किसान भी आगे बढ़े होंगे और कुछ न कुछ रास्ता निकल सकता है। लेकिन क्या ये फाइनल राउंड की वार्ता है, बड़ा सवाल ये। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान आंदोलन से जुड़े और किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस नेता डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ में है और भाजपा नेता शैला राम सारण हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। रामपाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। 35 दिन से आंदोलन चल रहा है, आप भी आपको तकलीफ दी है वैसे दर्शकों की, साथ आप लगातार जुड़े रहे हैं हर मुद्दे पर, जिससे आपका भी अनशन चल रहा है। और ये फाइनल राउंड की वार्ता माने जाने या फिर अभी कुछ वार्ता और बाकी रहेंगी? आज आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ये फाइनल राउंड की वार्ता माने कि अभी चर्चाओं के दौर और होने बाकी है भी? जी, क्या हुआ? फाइनल फोर ले यार। जी, ये तीनों कौन लेंगे, लाएंगे लाएंगे, कैसे लाएंगे, कब लाएंगे, सारी वापस को फाइनल कर दे। क्यों, हमने संयुक्त किसान मोर्चे में तो यही भेजा था कि अभी वार्ता होगी, इसमें वार्ता नहीं होगी कि काम बात लेने इन कानूनों कुछ लेने की तो कैसे होगी? आप अध्यादेश लाओगे, संसद का सदन बुलाओगे या संसद कहोगे, जो भी उनको अच्छा लगे। तो इसके बारे में उनसे हमने कहा, इसी ढंग से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसको हम ये बहस होगी, ये चर्चा नहीं होगी कि आना चाहिए आना चाहिए। हमने कहा चाहिए, ये पहले बार तो उस कानून को बनाने के लिए सरकार कौन सी प्रक्रिया तय करेगी। हमने प्रक्रिया गत बात ये इनको लिखकर भेजा था सरकार को, और जब दोबारा इनका बातचीत करेंगे फिर नहीं वार्ता जो उसी, क्योंकि सरकार भेजो हम वार्ता करें, कैसे प्रक्रियागत होगा उसके लिए वार्ता होगी। ये कानून होंगे नहीं है, ये तो पहले सारी चर्चा हो चुकी, इसलिए पहले हमने कह दिया किसानों को लेने के अलावा कोई विकल्प दूसरा नहीं। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि वार्ताएं तो कितनी बार हो चुकी है, सही रामपाल जी सही कह रहे थे कि आखिर ये किस दौर में जाएगा, किस तरह से परिवर्तन होगा, क्या कानून वापस लिए जाएंगे या कोई परिवर्तन करने के लिए कब कौन सी तारीख तय होगी, ये अभी तक आपस में समन्वय बन नहीं पा रहा। गवर्नमेंट देखिए जिस प्रकार से जो कुछ बातें सामने दिख रही है, ये बात सही है कि मेरे को लगता है कि दौर की बातचीत तो पहले भी हो चुकी है। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा निकलने के लिए मैं मान के चलता हूं कि हाई लेवल की मीटिंग होनी चाहिए। हाई लेवल की मीटिंग अब तक नहीं हो पा रही है। कृषि मंत्री तो बहुत सारी बातचीत कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं और अब भी कर चुके हैं। अब मांग वही है, या तो वापिस लो तीनों कानून को, या फिर उसमें संशोधन किस प्रकार से करोगे, क्या नहीं। तो ये सारी बातें अमित शाह के साथ में एक लॉन्ग अपना वो एक
इन मुद्दों को लेकर के डिस्कशन कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि इस बार कुछ समझा के भेजा है कि हाँ इन इन मुद्दों पे चर्चा इस तरह से करनी है? जी श्याम जी, सुन पा रहे हैं? चलिए डॉक्टर वरुण पुरोहित, आपके पास आना चाहूंगा जी। राहुल गांधी का ट्वीट है कि सरकार अलोकतांत्रिक है, किसी की पीड़ा समझती नहीं है, कुछ ऐसा ही उसका मजमून है। ऐसा क्यों लग रहा है कि अलोकतांत्रिक है? आंदोलन पहले भी चलते रहे हैं, लंबे समय तक चले हैं, और एक बार 35 दिन के मैं किसान आंदोलन का आपको याद दिलाना चाहूंगा। राजीव गांधी जी के टाइम पे टिकैत ने भी इसी तरह से, महेंद्र सिंह टिकैत किसान नेता थे, किसानों को लेकर के बैठे थे। तो लंबा आंदोलन तो हिंदुस्तान में बहुत बार चले, तो लोकतांत्रिक किस मकसद से कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से? लगातार सरकार को घेरा जा रहा है लोकतांत्रिक कहकर के, क्यों लगता है ऐसा? योगेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊं, किसान आंदोलन ही किसान का जीवन ही आंदोलन है। और जो बात आप राहुल गांधी जी की ट्वीट की कर रहे हो, वो अलोकतांत्रिक पूरे देश में इनकी जो व्यवस्था है, पत्रकारों को पकड़ लेना, इनके खिलाफ बोल देना, मुकदमे लगा देना, वो सबको पता है। अभी आपने कंपैरिजन किया महेंद्र सिंह जी टिकैत के आंदोलन का, वर्तमान आंदोलन का। वर्तमान आंदोलनकारियों को दिल्ली में जाने नहीं दिया जा रहा, राजधानी में धरना स्थल बुराड़ी चाहे रामलीला ग्राउंड पे हुआ करते थे, आप ही देखिए जंतर मंतर पे हुआ करते थे, इनको एंटर नहीं करने दे रहे कैपिटल को। ये कोई जिस प्रकार से इनका एक तबका भारतीय जनता पार्टी का बार बार खालिस्तानी पाकिस्तानी, मेरे को तो बोलने में भी शर्म आती है इन शब्दों को, ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कितनी गलत व्यवस्था है। ये अलग तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप किसी को गंदा गंदा बोल रहे हो, जो आपको रोटी दे रहा है, माता पिता है, उनको आप गंदा कैसे बोल सकते हो? आप दिल्ली में एंटर होने से कैसे रोक सकते हो? आपने बॉर्डर सील कर दिए, आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दिए, जैमर लगा दिए। ये तो पत्रकारों का आपका धन्यवाद है जो आप इनकी वॉइस को पूरे देश तक दुनिया तक पहुंचा रहे हो। यही तो डेमोक्रेसी का अंत हो रखा है, और क्या हो रखा है? आप मुझे बताइए, कितना गांधी जी की याद दिला दी इस आंदोलन ने? बिल्कुल एक अपशब्द नहीं बोल रहे किसान, बिल्कुल अपने शांति से सर्दी में बैठे किसान, और किसी के लिए कुछ वक्तव्य नहीं देते। आप इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हो, वाटर कैनन सर्दी में डालते हो, तो भी नहीं रिएक्ट कर रहे। इससे ज्यादा शांतिपूर्ण आंदोलन क्या होगा? उसको आप दबाने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अलोकतांत्रिक प्रयास होगा ही होगा। आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे रामलीला ग्राउंड में, क्यों नहीं जा रहे जंतर मंतर? यही चीजें अनडेमोक्रेटिक है, ये अनडेमोक्रेटिक है। प्रधानमंत्री मन की बात करे जा रहे हैं रेगुलर, क्या प्रधानमंत्री अगर अपने आप को जन नेता कहते हैं तो वहां जाके किसानों के बीच बैठ जाए? अगर आप जन नेता हो वाकई में, आपके मन में इच्छा है, तो आप जाके बैठ जाओ किसानों के बीच में। किसान तो आपको, आपका स्वागत करेंगे, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया खाना बना के खिलाएंगे, आप उनकी चिंता ही नहीं करना चाहते जी। वरुण जी, मैं आपके पास में लौटूंगा, वरुण जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं एक बार शैलाराम सारण और साथ में जुड़े हैं, शैलाराम जी आपके पास आना चाह रहा हूँ। सरकार को अलोकतांत्रिक बताया जा रहा है, किसानों के दर्द का एहसास नहीं हो पा रहा है, और ये फाइनल राउंड की वार्ता है कि नहीं, ये तो जब कुछ वार्ता का मजमून निकल करके बाहर आएगा तभी कुछ कह पाऊंगा मैं। लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि किसानों की अनदेखी कर रही है सरकार। बिल्कुल, आरोप इनका सिरे से मैं खारिज करता हूँ। और सरकार किसी तरीके से कोई एक लोकतांत्रिक तरीके से कोई एक्ट नहीं कर रही है। और अब तो सिर्फ और सिर्फ जो ये, क्योंकि अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले बात करेंगे, जब सत्ता में आए किसान की दुआ दे के बेरोजगार युवाओं की बात करके 10 दिन तो में वर्तमान आंदोलन ये कर रहा हूँ, जब आप याद आ रहा है, आप अगर कोई भी अगर कांग्रेस ये बात कहती है कि केंद्र भी अगर, तो सारी सरकारें कोई भी राजनीतिक दल, मैं सभी को खटकरे में खड़ा कर रहा हूं, लेकिन अभी हम बात 35 दिन से चले आ रहे आंदोलन तो करीब 3 महीने से ज्यादा तो हो चुका है, लेकिन 35 दिन से तो कैपिटल के बॉर्डर पे बैठे हुए लोग, उस पर मैं बात करना चाह रहा हूं। आप अगर कहेंगे कि राहुल गांधी 10 तक की काउंटिंग कर रहे हैं और किसानों का कर्ज माफ करने की बात कर रहे हैं, इन बातों का उचित नहीं। यहां तो बात यह है कि क्या सरकार एक ही बात पैडिंग है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे या इसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे? मैं उस पर जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, संशोधन करना न करना वो अभी जो वार्ता का नतीजा जब सामने आएगा उस पे आएगा। पहले जो भी वार्ता रही है वो पूर्ण नहीं हुई, तभी वार्ता वापस रही है। और प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर व्यक्ति को जो है अपनी बात को उचित माध्यम से विधिवत तरीके से, विधि सम्मत तरीके से रखने का अधिकार है और रखना चाहिए। लेकिन
सबसे पहले मैं कांग्रेस के बंधुओं से ये जो बताना और कहना चाहूंगा कि 6 दशक तक जो यहाँ आपने राज किया है दिल्ली के अंदर, केंद्र सरकार की बात करें, और इन्होंने खुद ने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में जो बातें कही, इनकी जो कमेटी थी जिसमें कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, 2007 में यूपीए सरकार ने जो बात रखी थी, और इनके जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा जी, उन्होंने भी इस संबंध में जो प्रयास किए थे, उन सारी बातों को नकार कर सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ ये जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपना आपको किसान हितैषी कहलाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो जयराम जी, आप एक बात कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस या दूसरी जो सरकारें रही उसी एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं, फिर दूसरी तरफ बीजेपी इनको कई बार कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, किसान की भलाई की बात करते हैं तो बहुत सारी बातें जो कांग्रेस के बंधु अब कर रहे हैं, तो इतने दिन पहले जो ये खुद सत्ता में थे सब किसान को भूले बैठे थे, अब इनको किसान याद आ रहा है और किसान की तरफदारी पैरोकारी किसान के बिया पे आर्गुमेंट करना चाह रहे हैं, क्या अधिकार है इनको? पहली बात तो इन्होंने राजस्थान के किसानों को किसानों की हमदर्दी पे वर्तमान सरकार को घेरने का, ये आप ही का तो बनाया हुआ कानून था, उसे पे ठप्पा लगाया वर्तमान सरकार ने तो। योगेंद्र जी आप किसी के राइट को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये डेमोक्रेसी है, चाहते ही नहीं कोई बोलने, बोले क्यों नहीं बोले भाई, राइट नहीं है क्या हमारा? कांग्रेस है तो क्या हो गया, कांग्रेस ने नहीं करा किसानों के लिए कुछ? और दूसरी बात आप इनसे पूछिए ये कांग्रेस का आंदोलन है क्या? किसान आंदोलन की बात करते ही डाइवर्ट करने लग जाते हैं, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अभी राहुल गांधी भूल गए उसका भी नाम लेने लग जाओ। अरे भाई बात हो रही है किसान कांग्रेस जो आंदोलन हो रहा है, आपने जो कोरोना काल में लुका छुपी करके फटाफट वो संशोधन कर दिए, नए एक्ट लिया है, उसमें आप संशोधन संशोधन कर रहे हो, आपने शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया, पार्लियामेंट कैसे ऐसे नहीं कैसे बुलाओगे? किसानों को बेवकूफ बनाना बंद करो और कांग्रेस का नाम लेना बंद करो, आप बात करो इनके जो रियल इस समय जो आंदोलन है उसके ऊपर, कांग्रेस के पिक्चर में नहीं, कांग्रेस का आंदोलन ही नहीं है, आप जबरदस्ती कांग्रेस कांग्रेस क्या करना चाहते हो? राहुल गांधी क्यों करना चाहते हो? किसानों की बात क्यों करना चाहते हो? पास में किसान हटे नहीं हटे, वो खाली कांग्रेस ने ही ठेका नहीं लगा किसानों का, और किसान को कांग्रेस के आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं तक आप बात कर सकते हो जो आपके पार्टी के सदस्य है, किसान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन किसान के आपने कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक अस्तित्व को कायम रखने के लिए ब्रेक टाइम चल रहा है सारण साहब। क्या बात है श्याम जी, कनेक्टिविटी नहीं है? एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं हम किसान आंदोलन की, इस वार्ता से क्या निकलेगा हल, सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं। चलिए श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, इस बैठक के साथ में हम कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट निकल सकता है? देखिए योगेंद्र जी ये बात सही है कि बातचीत से ही हल निकलेगा, ये बात सही है, लेकिन बातचीत जिन शर्तों को रखी थी, उन्होंने 4 शर्तें किसानों ने रखी थी, अब उस शर्तों के ऊपर बातचीत हो रही है नहीं हो रही है ये तो रामपाल जी को ज्यादा पता होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि
कुछ इनको झुकना पड़ेगा, कुछ सरकार को झुकना पड़ेगा, सारी चीजें तो किसानों की मानी नहीं जाएगी, ये तो बात रामपाल जी को भी पता है, लेकिन कुछ हद तक अगर मान लेते हैं तो किसानों की जीत मानी जाएगी। अब ये एमएसपी का मेन मुद्दा तो एमएसपी का है, अगर उनको कानूनी दर्जा मिल जाता है तो बाकी तो सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, बाकी की दिक्कत नहीं है। हरियाणा और पंजाब सबसे ज्यादा पीड़ित होगा तो एमएसपी को लेके ही है और कोई नहीं है, क्योंकि आप देखिएगा जितनी खरीद होती है धान की और गेहूं की, हरियाणा और पंजाब ही सबसे ज्यादा बेचता है, बाकी प्रांत तो होते नहीं। हम तो राजस्थान वाले हैं, आप देखिए बाजरा कहाँ खरीदा जा रहा है, आज भी एमएसपी डिक्लेयर है लेकिन ना तो राजस्थान से सरकार खरीदी ना केंद्र सरकार खरीदी है, तो हम पीड़ित हैं। एमएसपी अगर घोषित भी हो जाएगी तो उसका मूल्य नहीं मिल पाता है, मूंगफली का नहीं मिल पाता है, कई बार और दालों का नहीं मिल पाता, तो हम लोग मक्का का भी नहीं मिल पाता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ये कानूनी दर्जा मिल जाता है किसी तरीके से, उसको बिल का हिस्सा मान लेते हैं तो बहुत बड़ी जीत होगी किसान की। मगर ये मैं मान के चलता हूँ अभी भी लिखित में तो दे देंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्डर होता है वो एक बार लिखित में होता है, उसका कोई कभी भी वापस लिया जा सकता है उस आदेश को। तो ये बात सही है कि भविष्य में किस प्रकार की स्थिति बनेगी, किस प्रकार की नहीं बनेगी, केंद्र सरकार तो अपनी जीत पे अड़ी हुई है निश्चित रूप से, क्योंकि एक बार कानून लेके आ गए वो तो पीछे हटना नहीं चाहते। कोई भी सरकार बहुमत वाली होती है वो सोचती है कि हम लोग लेके आए हम सही कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष इतना मजबूत नहीं है। यही कारण है कि आप लोकसभा में तो विरोध कर ही नहीं पाए ढंग से, आप राज्यसभा में कर पाए थे तो राज्यसभा में उन्होंने अपने तरीके से पारित करा लिया। तो ये बात आज भी हम कहते हैं किसानों की आवाज किस प्रकार, किसान आज भी इतनी सर्दी है आप घर में नहीं बैठ सकते, किसान उस खुली हवा में बैठा है और किस प्रकार से साधत बर्फ जम रही है, जहां रोज बर्फ जम रही है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि ये बर्फ पिघलनी भी चाहिए। श्याम जी वापस आ रहा हूं आपके पास में, रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामपाल जी अभी जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को देखेगी, कुछ बातचीत हुई थी, इसका अंदेशा आप लोगों को पहले से था कि सरकार एक कमेटी फॉर्म कर सकती है जिसके माध्यम से को हल निकालने की कोशिश होगी। अगर कमेटी की बात मानी जाती है तो किसानों का क्या रुख रहेगा, वहीं बैठे रहेंगे या फिर मूव करेंगे? योगेंद्र जी इसके बारे में करेगा, जो एक किसान वही सब किसानों को तैयार होगा, इसका मतलब जो भी बातचीत होगी उसका सारा आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, मैं वापस आपके पास में आऊंगा, हो सकता है कि नेटवर्क इश्यू हो। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने की राय तो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, अगर हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये नहीं बनाएंगे कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से कमेटी बना देगा, तो ये निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इस आंदोलन को समाप्त कराने की पहल हो रही है। अभी देखिए सरकार अब कमेटी बन जाएगी, कमेटी कब बैठेगी क्या होगा, ये तो आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा नहीं चलता रहेगा, अभी अस्थिरता का माहौल बना रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि इसमें हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से पहले भी समाप्त हुआ था और अब भी समाप्त होगा। कमेटी को क्या अधिकार होंगे, किस प्रकार की बात होगी, ये तो टल जाएगा मामला, और टल जाने के बाद तो आपको रामपाल जी को पता है कि आज इतने किसान आज इतने मौजूद हैं, अगर अगर एक बार हट गए तो फिर दोबारा से ये माहौल नहीं बन पाएगा निश्चित रूप से पूरे देश में जिस प्रकार से बना हुआ है। अगर आप नेटवर्क में हैं तो एक बार मैं वापस आना चाहूंगा, समिति अगर बना दी जाती है तो किसानों का रुख, इसको लेकर के पहले चर्चा हुई आप लोगों की, या बैठक के बाद में किसान नेताओं से चर्चा होगी कि सरकार का यह प्रस्ताव है, उस पे चर्चा कुछ करने के बाद ही कुछ रुख साफ होगा? योगेंद्र जी जो एजेंट भेजा वापस लिए जाएंगे आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास में। आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चले वरुण पुरोहित जी, आंदोलन स्थल पर
जी उधर से क्लिप लेना। तो आंदोलन स्थल से ही हमारे साथ रामपाल जी जुड़े हुए हैं, जहां तीसरा दिन उनका अनशन का भी चल रहा है। वरुण जी आपके पास आना चाहूंगा, सरकार प्रस्ताव देती है, दिया है, जैसे जानकारी मिल रही है कि कमेटी बना देनी चाहिए, तो हम सभी चाहते हैं कि आंदोलन का कुछ निर्णय होना चाहिए खत्म होने का, सरकार अपनी ओर से आगे बढ़े कुछ पहल के लिए, किसान आगे बढ़े, तो क्या माना जाए इसे कि समिति पहले भी बनती रही है, तो इससे कुछ इस रुख साफ हो पाएगा? योगेंद्र जी अगर इनका मंशा साफ होती तो कोरोना काल में इतनी झटपट से कानून को ला करके अपने हिसाब से कानून बना करके पास नहीं कराते पार्लियामेंट से, जून में बिल नहीं लेके आते फटाफट कोरोना काल की आड़ में। इनकी मंशा साफ होती तो 35 दिन तक आंदोलन नहीं चलाते, आंदोलन से पहले किसानों की बात सुनते और कमेटियां बनानी जो भी करना कर देते। ये सिर्फ इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं, इनके दिमाग में एक चीज आई हुई है कि हम डिवाइड एंड रूल कर लेंगे, किसान आंदोलन को डिवाइड कर देंगे, उनको बदनाम कर देंगे और इस तरीके से प्रयास का। अभी श्याम सुंदर जी ने सही बताया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कोई ऑर्डर ऐसा करा दें कमेटी हो जाए, बाध्य हो जाए किसानों ऊपर, ये बिल्कुल इनका बिल्कुल निराधा आ रहा है। अब के इनको ये नहीं पता है कि रोटी रोजगार का जो संकट इन्होंने देश में किया, अब के किसानों से गलत उलझ गए। बस ये आप देखिए चार चैनल की सरकार है, रोज रोज कांग्रेस कांग्रेस राहुल गांधी। अरे भाई कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, आप आंदोलन पे बात नहीं कर रहे हो, उन किसानों से जाके बात नहीं कर रहे हो। आज पहली बार इनको डर लगा है जब जाके उनके साथ लंगर में खाना खाया है। प्रधानमंत्री तो डर के मारे, मैं ये शब्दों का इस्तेमाल अच्छा नहीं लगता हूं लेकिन मैं मान रहा हूं, ये डर के मारे किसानों से बात करने नहीं जा रहे। भाई अगर आपकी मंशा क्लियर तो आप रोज मन की बात करते हो, थाली कटोरे भजवाते हो, आप क्यों नहीं किसानों के पास चल जाते हो, वहां बैठो उनके साथ लंगर में खाना खाओ, उनकी बात तुरंत साइन कर दो। आपको ऑर्डिनेंस लाना है अगर तीन राज्यों की, ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश की प्रॉब्लम है किसानों की, अगर तीन राज्यों की प्रॉब्लम है तो आप उस एक्ट में प्रोविजन कर दो कि तीन राज्यों में ये लागू होगा। पहले भी तो होते थे, एक्ट पास होते थे तो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे, आप नॉर्थ ईस्ट में कई एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते, आप इनके लिए अलग से एक्ट कर दीजिए, ऐसी क्या परेशानी है? जब आप फटाफट पार्लियामेंट ला करके बना सकते हो तो क्या 35 दिन लगते हैं एक्ट में संशोधन करने के लिए? फिर आप देखिए मंशा इनकी, इन्होंने शीतकालीन सत्र पार्लियामेंट का स्थगित कर दिया, इनकी मंशा होती तो पार्लियामेंट बुलाते, डेमोक्रेटिक लोग होते, इसलिए राहुल जी ने ट्वीट किया है कि डेमोक्रेसी का ये अंत करने में लग रहे हैं, क्यों नहीं पार्लियामेंट बुलाते, सारी दुनिया खुली पड़ी है, आप रैलियां कर रहे हो लाखों की जाके, कहते हो लाखों आदमी पता नहीं आए कि नहीं आए बंगाल में, लेकिन आप वहां पर रैलियां कर रहे हो तो आप क्यों नहीं पार्लियामेंट सेशन बुलाते हो? किसान से बात हो जाएगी, नेताओं से बात हो जाएगी। आपके आरोप का मैं जवाब दिलवाता हूँ, शैलाराम जी से जवाब दिलवाता हूँ। शैलाराम जी आपने सुना डॉक्टर वरुण पुरोहित को? अभी सबसे पहले तो वरुण जी से हम पूछते हैं कि आपके वो कहाँ है राहुल जी, इनके बारे में फिर ये पूछते हैं किसान आंदोलन से राहुल जी का क्या कनेक्शन? अरे आप तो अपने प्रधानमंत्री की बात करो, वो कहाँ है, वो तो नहीं आए 35 दिन से बाहर किसानों की बात करने, फिर राहुल जी प्रियंका जी पे आ जाते हैं। अरे भाई आप किसानों की बात करो, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर रहे 35 दिन से बाहर? डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहला तो मैं आपकी इस बात से आपत्ति बिल्कुल जो प्रकट कर रहा हूँ कि आप न्यायपालिका को मानने के लिए तैयार नहीं, आप प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को जो है स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, तो क्या आप लोगों की और आपकी पार्टी की विचारधारा और आपके पार्टी के आंकड़ों के विचार है वो ही सर्वोत्तम और सर्वोपरि है? अरे हमारे लिए तो वही होंगे, आपके लिए मोदी जी के, ये कौन सी बात हुई? हमारे विचार हमारे, आपके विचार आपके, हम हमारे विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपके विचारों की वो इज्जत करते हैं, इसमें क्या बात है? आपका बोलने का राइट है, उसके साथ साथ में आपकी ड्यूटी भी है, एक पन्ने पे राइट है दूसरे पे कर्तव्य है। आप न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय किसने लगाया न्यायपालिका पे? आप खुद क्यों नहीं आ रहे सुप्रीम कोर्ट में, ऑर्डर का वेट कर रहे हो आप? अभी श्याम सुंदर जी ने एक्सप्लेन कर दिया आपको, आप प्रधानमंत्री जी को बोलिए जाके किसानों से डायरेक्ट मिले, मन की बात कुछ नहीं करना आपको इसमें, किसको आप बोली बोली सुनने के आप गलत किए मेरे पे, आप किस बात के न्यायपालिका दे रखिए, मैं तो बोल नहीं बोल रहा उसको, क्यों आप बोल बोलिए, और जब आप बोल रहे हैं तो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं आपको, आप बार बार बीच में कर रहे हैं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये मेरे को जुडिशियरी से क्यों भरूं? पूरी बात कहने दीजिए आप, बोलिए रेगुलर, आपको स्वीकार नहीं न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो फिर आपकी आस्था आपका विश्वास आपका भरोसा कहाँ है और कहाँ पर है? सबसे पहले तो मेरी आपत्ति है कि आप न्यायपालिका पे इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं। मैंने कोई टिप्पणी नहीं करी है, आप फालतू मुंह मत बनाओ, इसको डाइवर्ट मत करो चीज को, मैं तो खुद लॉयर हूं, मैं क्यों करूंगा सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी? भाई शब्द बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया डाइवर्ट, आप कर रहे हो, मैं तो आई एम अ लॉयर, मैं नहीं इसमें बोल सकता। श्याम सुंदर जी की बात को मैंने आपको कोट किया, जुडिशरी
यू डोंट नो ओनली, हम जानते हैं जुडिशरी के बारे में, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भाई, श्याम सुंदर जी पे लगाओ ना, आपको आरोप लगाना है तो लगा रहे हैं। और पहली आप तो किसान आंदोलन पे टिप्पणी करो, हमारे विचार प्रकट करने को हम स्वतंत्र। बिल्कुल नहीं, किसान आंदोलन में बात करो, किसान आंदोलन की करो। और अगर आप न्यायपालिका भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो, सर्वोच्च न्यायालय पे लगा रहे हो, योगेंद्र जी न्यायालय, ये कहां ले जा रहे हैं बात? आप और आपकी पार्टी की विचारधारा और आपके आका ही जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वमान्य है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, हमारे लिए तो वही होंगे, कैसे क्या बात कर रहे हैं? आपके आका को क्यों मानूंगा मैं? मेरा आका, पहली बात है, आप अपने आका को आका मानो, मैं मेरे आका को आका मानूंगा, ये तो स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं, आप क्या बातें कर रहे हो? आपके पास विचार क्यों मानूंगा? नीट एंड क्लीन हो सकता हूँ, साफ सुथरी बात करिए आप, करो अपनी पार्टी की साफ सुथरी बात। मैंने मेरी पार्टी का प्रश्न रख दिया, आप अपने विचार रखिए, बताइए आपकी सरकार क्यों किसानों से बात नहीं करना चाह रही? न्यायपालिका पे सुपर पर्सन, लेकिन बड़ी बात ये अधिकार आपको किसने दे दिया? लिया है मंत्रियों ने, वो लंगर उन्होंने भी चखा है। और रामपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? रामपाल जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो जानना चाहूंगा कि समिति पर क्या रिएक्शन है आपका? चौधरी साहब की आवाज नहीं आ रही है जी, बहुत आ रही आवाज। तो श्याम जी, ये तो कहा जा सकता है कि ये फाइनल राउंड की वार्ता नहीं हो सकती अभी, क्योंकि किसान आंदोलन, अगर किसान जैसे कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं होगा तब तक बैक नहीं होंगे, तो क्योंकि इसका भी एक अपना एक संवैधानिक प्रक्रिया है कानून वापस लेने का भी, या तो नया अध्यादेश लेके आए या फिर पार्लियामेंट को कॉल करके और इस कानून को बिल्कुल खत्म करें या फिर इसमें को संशोधन करें, क्योंकि कानून बन चुका है। तो क्या लगता है आपको कि ये फाइनल राउंड की वार्ता कहें या कि और दूर की वार्ताएं हो सकती हैं अभी? देखिए योगेंद्र जी, जो समिति किस प्रकार की बनेगी, कौन कौन लोग शामिल होंगे, अगर ये क्लियर हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के कहेंगे साहब आपने जो हमें आदेश दिए थे कि कमेटी का गठन कर, हम कमेटी गठन करने की तैयार है, इन लोगों को शामिल कर रहे हैं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और डायरेक्शन आ जाएंगे तो किसानों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि देश का बड़ा सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसकी प्रक्रिया को सबको अपनाना पड़ता है। उन्हीं ने डायरेक्शन दिए कि या तो सरकार तय कर दे कमेटी, नहीं तो हमको तय करनी पड़ेगी। तो आपस में समन्वय करके कोई ना कोई ऐसा मुद्दा तय हो जाना चाहिए, आज नहीं तो कल दोबारा से किसान बैठ सकते हैं कि कमेटी में कौन लोग शामिल होंगे और कमेटी को क्या अधिकार होगा, ये सारी चीज तय हो जाएगी। तो निश्चित रूप से कोई भी रास्ता निकलेगा, बातचीत से ही ये मामला सुलझेगा। लंबा आंदोलन हो गया है और इसमें जितना पीड़ा किसान झेल रहा है, आज आप देखिएगा कि इतिहास बन रहा है कि कितने लोग इस सादत में चले गए, वो जो देखिए रामपाल जी जैसे उम्र के लोग वहां बैठे हैं, इनकी उम्र नहीं है बैठने की, लेकिन क्योंकि किसानों के प्रति इनका लगाव है, इनका चिंतन है, उनके प्रति सम्मान इनका रखते हैं, तो ये लोग जो जाके बैठे हैं। आप देखिए इनके आरएलपी के सांसद भी बैठे हैं वहां पर, लेकिन नेतृत्व इस बार किसान ना तो कांग्रेस को दे रहा है ना किसी दल को दे रहा है, खुद अपने बात है। रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो लोबो लुआब यही है कि क्या फाइनल राउंड की वार्ता है, सबकी निगाह इसी पे टिकी हुई है और जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और क्योंकि इस वार्ता के बाद में किसान संगठन किसानों के बीच जा सकते हैं, वहां वार्ता हो सकती है, सरकार को उस रुख से अवगत कराया जाएगा। अभी कई क्योंकि बैठक का मजमून अभी तक निकल करके नहीं आया है, जब तक हमारी चर्चा चल रही है तो उसके बाद ही कुछ पिक्चर साफ होगी कि अंदर क्या कुछ पका है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।